खरगोन जिले के बिकनगांव में मंगलवार को मुख्य मार्ग पर फल व सब्जियां बेचने वाले ठेला व्यापारियों को नगर परिषद की टीम ने पुलिस जवानों के साथ एक जगह खड़े न होने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सख्त हिदायत दी। साथ ही कुछ व्यापारियों का सामान भी जब्त किया गया। गौरतलब है कि ग्रीन जोन में होने से खरगोन जिले में आवश्यक शर्तों के पालन के साथ सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खोलने की छूट कलेक्टर द्वारा दी गई है, मगर मंगलवार को भिकनगांव में हाट बाजार का दिन होने के नगर में कई हाट व्यापारी सुबह से ही बाजार में सामान बेचने पहुँच गए थे। इस संबंध में CMO मनोज गंगराड़े ने बताया कि कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर आज सभी को हिदायत दी गई है, आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ये नगर पालिका के अमले ने पुलिस दल के साथ में मिलकर बाजार में लोगों को नसीब दी, क्या मामला है? आज जैसा कि विजय थे आपको बाजार हाट बाजार था बिकनगांव में, और मेन रोड पे कई ठेले आ गए थे जिनको हटाने के लिए SDM साहब ने फोन किया था मुझे, तो जाके देखा तो वाकई बहुत ठेले थे, उनको सबको हटाया गया। हिदायत दी गई उनको कि भैया ये आप जो है मेन रोड पर खड़ा ना करें, इसको गाँव में घुमाते रहें, एक जगह स्थायी रूप से खड़ा ना करें। और जैसा कि शासन के निर्देश थे, हमने मुनादी भी नगर में करा दी है कि कोई भी व्यक्ति जो है इस टाइप से दुकान मतलब ठेलों को स्थायी रूप से खड़ा ना करें, और उसमें दुकानदारों के लिए ये है कि आप जो है जो भी नियम है उनका पालन करें, जिस तरह से कि मास्क लगा के दुकानदार को भी बैठना है, ग्राहक को भी मास्क लगा के जो आए उसी को सामान देना है, दुकान के सामने गोला बना के रखना है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसमें यह है कि अभी फ़िलहाल होटलें बंद हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बंद है, मटन मार्केट बंद है, पान दुकानें बंद हैं, चाय दुकानें बंद हैं, रेस्ट भोजनालय बंद है, इन लोगों को अभी खोलने की परमिशन नहीं है, और नगर में लगभग बंद भी है सभी चीज़ें। तो इस संबंध में कोई कार्रवाई करी क्या आपने? आज कार्रवाई में कुछ ठेले वालों की जब्ती भी करी हमने, जो मान नहीं रहे थे उन लोगों की जब्ती करके ले आए हम लोग। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।